आज हम पढ़ते हैं पाठ 7, पापा खो गए। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित इस एकांकी में निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनमें संवेदना भी दर्शाई गई है। वहीं एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं है। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है, जिस पर नृत्य करने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पहले से वहां खड़ा है, बाद में खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। शुरू शुरू में खंभा पेड़ से बातें नहीं करता था, लेकिन एक बार आंधी तूफान की रात में पेड़ खंभे को गिरने से बचाता है और उसे अपने ऊपर रोक लेता है, तभी से दोनों की दोस्ती हो जाती है। यह एकांकी एक रात की घटना का वर्णन कर रही है। रात में हवा तेज थी, जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरू बज उठते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ और खंभा बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स रह कर कुछ भजन गुनगुनाता है, जिससे वहीं सोया हुआ काल कौआ झुंझला उठता है। अतः समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट में चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। उसी समय किसी के आने की आहट सुन सभी चुप्पी साध लेते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला था। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उसे बेहोशी की दवा दी थी, जिससे वह अभी तक सो रही थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह बच्ची के ऊपर अपना कोट फैला देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौआ यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी ना जाने इस बच्ची के साथ क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह हैरान होती है कि वे आवाजें कहां से आ रही थी। लेटर बॉक्स उसे बताता है वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। लड़की यह जानकर बहुत खुश होती है। सभी उसे उसके घर का पता पूछते हैं, पर वह लड़की उन्हें कुछ ठीक ठीक बता नहीं पाती। थोड़ी देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी बच्ची को ना पाकर क्रोधित हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौआ भूत भूत चिल्लाने लगता है। उसके साथ साथ सभी चिल्ला पड़ते हैं और वह आदमी डरकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकलकर आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थककर सो जाती है। अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कौवे को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी, और खंभे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ को टिककर खड़ा रहे, इससे लोगों को लगेगा यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहाँ पहुँचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई ना आया तो क्या होगा। तब कौवा उसे कहता है कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। सुबह होते ही सभी देखते हैं पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है। खंभा टेढ़ा खड़ा है। कौवा काऊ काऊ कर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा हो तो उसे यहाँ से ले जाएं। है ना मज़ेदार? ठीक है, आप इसे पढ़िए और
इसे सबको सुनाइए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें।